राज्य में काळझाळ गर्मी थी राहत तो मिली गई है, परंतु हवे प्रीमोनसून एक्टिविटी ना भाग रूपे वरसाद की आगाही पण करवामां आवी छे। हाँ, ये प्री मानसून एक्टिविटी है आज के लिए, जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। नहीं, विंड स्पीड तो ज़्यादा नहीं है आज के लिए, ये हो गया। રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં હળવો વરસાદ વરસી શકે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે। રાજ્યમાં 8 અને 9 જૂને પ્રી મોનસૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે વરસાદ વરસી શકે છે। અમદાવાદમાં પણ 2 દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે તેવું હવામાન વિભાગનું કહેવું છે। સૌથી વધુ તાપમાન સુરેન્દ્રનગરમાં ગત 24 કલાકમાં નોંધાયું છે। ધીરે ધીરે તાપમાનમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, તાપમાન ખુશનુમા થતું પણ જોવા મળી રહ્યું છે। અને ચોમાસાની જ્યારે વિધિવત થોડા સમય બાદ શરૂઆત થવાની છે, તે પહેલા પ્રી મોનસૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે રાજ્યમાં 2 દિવસ વરસાદ વરસી શકે છે અને તારીખ 8 અને 9 જૂન છે। જો કે ગત 24 કલાકના જે આંકડા છે તે પણ સામે આવ્યા, ગાંધીનગરમાં 41.5 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન નોંધાયું છે। સુરત, દાહોદ, દાદરાનગર હવેલી આ તમામ જગ્યાએ હળવા વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। है आज के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आइसोलेटेड रेन होगी, वो डिस्ट्रिक्ट है वलसाड़, नवसारी, डोंग, तापी, छोटा उदयपुर, दाहोद, दमन और दादरा नगर हवेली। Day 2, Day 3, Day 4 और Day 5 को ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा। उसके बाद Day 6 और Day 7 में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होगी, वो डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात रीजन के वलसाड़, नवसारी, डोंग, तापी, नर्मदा, छोटा उदयपुर, दमन, दादरा नगर हवेली और सौराष्ट्र रीजन के गिर सोमनाथ और दीव हैं, जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और Day 7 की बात करेंगे, जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है, वो डिस्ट्रिक्ट है वलसाड़, नवसारी, डोंग, तापी, नर्मदा, छोटा उदयपुर, दमन, दादरा नगर हवेली और पंचमहल और दाहोद। और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे, जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है Day 7 को, वो डिस्ट्रिक्ट हैं गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली और भावनगर।